Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be all fine. Students, now we are going to do our science. So hurriedly open your books and come to page number 40. Students, हम कर रहे थे question answer. If you continue करेंगे, please hurriedly open your books, notebooks as well. Write date and date. Draw margin line and write topic. हमारा topic चल रहा था वो था living things and their environment. कि जो living things का environment है वो कैसे उनको affect करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई, व्हाट आर अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होती हैं? अडेप्टेशन मींस कि जब कोई लिविंग थिंग अपने आप को किसी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जब अडॉप्ट करता है तो वो कैसे रहता है. ठीक है, कम टू पेज नंबर 36. पेज नंबर 36 पे इसका आंसर मेंशन है आपके लिए, बहुत ईजी रहेगा. आप ये देखें, द लास्ट लाइन है, सेकेंड लास्ट. द स्पेशल बॉडी पार्ट दैट अ प्लांट और एनिमल डेवलप्स टू अडॉप्ट टू अ पर्टिकुलर प्लेस आर लिविंग कंडीशन आर कॉल्ड अडॉप्टेशन. मीन्स कि कोई भी जो स्पेशल बॉडी हो, लिविंग थिंग्स की हो या पार्ट की हो, प्लांट्स की हो, तो जब अपने आप को वो किसी एरिया में रहने के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती है अपने सराउंडिंग्स में, तो उसको बोलते हैं अडॉप्टेशन. ठीक है, अगर गर्मी का मौसम है उसके अकॉर्डिंग वो रहना शुरू कर दे, तो अगर सर्दी का मौसम है तो उसके अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं अडॉप्टेशन. यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी लेंथी, काफ़ी लंबा हो जाएगा. द स्पेशल बॉडी पार्ट दैट अ प्लांट आर एनिमल, तो प्लांट आर एनिमल की जगह हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ से लिख लेना लिविंग थिंग. ऑल लिविंग थिंग्स डिवेलप्स टू, आपने क्या लिखना है, ऑल लिविंग थिंग्स, एल आई वी आई एन जी, ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, डिवेलप, ये मतलब थिंग्स हो, पहले एनिमल सिंगल था ना तो डिवेलप्स था, तो हम यहाँ पे डिवेलप लिखेंगे क्योंकि फर्टिक जो होता है आपका प्लूरल उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता. ऑल लिविंग थिंग्स डिवेलप टू अडॉप्ट टू अ पर्टिकुलर प्लेस आर लिविंग कंडीशन आर कॉल्ड अडॉप्टेशन. ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे ना स्पेशल बॉडी आर पार्ट्स दैट आर प्लांट आर एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों जो लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो हम प्लांट और एनिमल लिखने की बजाय हम कर लेंगे ऑल लिविंग थिंग्स डिवेलप और एस हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, all living things develop to adapt to a particular place or condition are called adaptation. Clear? Good. Now last question is, how are animals, ये मैंने डी आपको नहीं करवाया. ठीक है, वही था कि जब प्लांट्स जो है तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल में कैसे रहते हैं, तो वो कहता है कि वो उनको वहाँ से जो उनको फंगस वाला होता है, उसका आंसर यहाँ पे था फंगी वाला ये. हाँ जी, उसका यहाँ से मैंने स्मॉल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी नीड डेड प्लांट से मैंने आपको छोड़ दिया. ठीक है, कल हमने ए बी एंड सी किए थे, डी मैंने आपको नहीं करवाया, ई एंड एफ आज आप कर रहे हैं. क्लियर, लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस अडॉप्टेड टू लिव देयर, कि जो बहुत सर्दी वाली जगह में जो एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ के माहौल के मुताबिक अपने आप को कैसे ढालते हैं. तो अल्लाह पाक ने उनको हर एक को उसकी अकॉर्डिंग, उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको बॉडी दी हुई है. ठीक है, तो वहाँ पे जो मोस्टली रहते हैं वो आपके पोलर बेयर हैं, और इनके ऊपर बहुत मोटी वाली फर होती है. आपने अपने टेडी बेयर देखे हो कितनी मोटी फर, तो ऐसी ही पोलर बेयर की भी होती है. सील की भी अजीब सी तरह की स्किन होती है जो उसको वार्म रखती है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि जो सर्दी में रहते हैं एनिमल्स वो अपने आप को कैसे वहाँ पर ढालते हैं, तो उनका क्या है कि दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच ऑल्सो कीप दम वार्म. ठीक है, इन एनिमल्स की यहाँ से आप लिखेंगे कि उन एनिमल्स के दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच ऑल्सो कीप्स अप वार्म. वो अपने आप को इसलिए भी ढाल लेते हैं क्योंकि उनको अल्लाह पाक ने उनकी स्किन के अंदर एक मोटी सी फैट दी हुई है जो कहते हैं चर्बी, तो वो उनकी स्किन को वार्म रखती है. तो एफ का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर 39 पे सेकंड लाइन से, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच ऑल्सो कीप दम वार्म. क्लियर स्टूडेंट, आज आप जैसे दो क्वेश्चन ही करेंगे, आई होप ये आपको क्लियर हो. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़.